Hello you guys, welcome back on your favorite channel XOAD. This is Ray and today is the day like every day. So aaj main aap log ko bataunga ki kaise aap log ye bana sakte hain. Simple lag raha hai na, but ye dekhiye is type ke button aap log kaise bana sakte hain, aaj hum log yahi dekhenge. To chaliye start karte hain. Aapko muse open karna hai. Ye jo button already bana hua hai isko rehne dijiye, isko drag upar kar dete hain. सबसे पहले आपको क्या करना है, ये टूल लेना है, रेक्टेंगल टूल. उसके बाद आपको शिफ्ट को होल्ड करना है और छोटा सा एक बॉक्स क्रिएट कर लेनी है. उसके बाद एक और रेक्टेंगल लेनी है आपको और इसकी हाइट सेम होनी है और ज्वाइन कर दें, ठीक है. उसके बाद क्या कीजिए, इसमें आप लोग कोई भी पिक्चर्स इंसर्ट करवा दीजिए. ठीक है, और इसमें खाली रहने दीजिए. ठीक है, अब क्या करूँगा मैं इसको और दोनों को सिलेक्ट करूँगा शिफ्ट होल्ड करके. उसके बाद नॉर्मल पे इस पर स्टॉक मैं देता हूँ इसका वाइट, ठीक है, और इसे 3 कर देता हूँ. परफेक्ट, इसे थोड़ा और साइड ले लीजिए. परफेक्ट है. उसके बाद कीजिए दोनों को सिलेक्ट करके रोल ओवर पर जाइए और रोल ओवर पे स्ट्रोक को ब्लैक कर दीजिए. ठीक है, हमारा स्ट्रोक का काम ख़त्म हो चुका है. अब सिंगल इसे क्लिक कीजिए, उसके बाद नॉर्मल पे इसे थोड़ा थोड़ा, मीन्स आई मीन 15 सही है, और इसको भी नॉर्मल पे 15 सेट कर दीजिए. परफेक्ट. अब आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले पे क्लिक कीजिए, रोल ओवर पे जाइए और रोल ओवर पे हमें इसको चेंज करना है इसे और ज़्यादा सेलेक्ट करना है, इसे और बढ़ा दीजिए लाइक जितना इतना. परफेक्ट है. उसके बाद सेम इसको भी यही करना है, इसका भी रोल ओवर पे इसे फुल कर दीजिए. हो गया. अब टेक्स्ट टूल लेना है और यहाँ पे डाउनलोड कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, जो आपको लिखना है, टेक्स्ट फिल करना है आप लोग फिल कर सकते हैं. डाउनलोड टेक्स्ट पे जाइए, इसे सेंटर कीजिए 24 और 24. ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमारा सब कुछ डन हो चुका है. अब इसके ऊपर रोल ओवर इफेक्ट लगाना है, मीन्स स्टार्टिंग में इसको वाइट करनी चाहिए, वाइट होनी चाहिए. तो नॉर्मल यहाँ पे सिलेक्टेड है, देख सकते हैं, नॉर्मल में आप इसको वाइट कर दीजिए. ठीक है, अब इसे रोल ओवर पे ब्लैक. ठीक है, अब जो है हमारी इसकी ट्रांजेक्शन किस तरीके से ट्रांजेक्शन होगी, तो फेड पे क्लिक करना है ट्रांजेक्शन पे. उसके बाद इसको हम मोग 5 कर देते हैं, जो इसमें 5 था. आप लोग देख रहे थे ये काफ़ी स्लो हो रहा था और ये काफ़ी फास्ट हो रहा था, तो इसी तरीके से इसको हम लोग फास्ट रखेंगे. तो 0.5 ड्यूरेशन सेट कर देना है. सेम अभी हम लोग ऐसे करेंगे कि रोल ओवर पर है, तो रोल ओवर पर ट्रांजेक्शन रखेंगे इसकी 0.9, नॉर्मल पे 0.9, फिर इसे सेलेक्ट करें, इसे नॉर्मल पे ट्रांजेक्शन 0.9 और रोल ओवर पे 0.9. ठीक है, हमारा ये सब कंप्लीट हो चुका है. अब बारी आती है हमारे विजेट, मींस इस सारे को एक साथ ग्रुप करने की. तो विजेट एंड लाइब्रेरी पे जाइए, बटन पे क्लिक कीजिए और स्टेट बटन को ड्रैग कीजिए. ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो टेक्स्ट फील है इसे डिलीट कर दें, फिर इसके अंदर जो फील है इसे डिलीट कर लें, और रोल ओवर पे भी है इसे भी डिलीट कर लें, मीन्स पूरी एम्प्टी होनी चाहिए. ठीक है, अब इसे आप क्या करें, थोड़ा बड़ा कर लें और इसे कट
कंट्रोल एक्स एंड इसको क्लिक करके इसके अंदर पेस्ट। ठीक है, अब इसको आप साइज से मैच कर लें। परफेक्ट, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें डाउनलोड को लेके आना है, इसे भी कट कर लीजिए कंट्रोल एक्स और या फिर राइट क्लिक करके कट करके ला सकते हैं। इसके अंदर पेस्ट और इसे सेंटर पे रख दीजिए। ठीक है, चलिए प्रीव्यू करके देखते हैं। ये पहले वाला था और ये अब वाला है। आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे एक एक अकेले अकेले करके हो रहा है। ठीक है, वो क्यों हो रहा है मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि जो इसकी रोल ओवर की ट्रांजेक्शन है 0.9 है, इसकी रोल ओवर की ट्रांजेक्शन 0.9 है और नॉर्मल पे 1 है, इसलिए ये स्लो जा रहा था। अब इसे भी 9 कर दिया। अब बारी है डाउनलोड की, इस पर भी आप नॉर्मल पे फेड 0.5, मैंने इसमें भी नहीं दिया था पहले वाला में, तो इसमें भी दे देता हूँ मैं नॉर्मल पे ट्रांजिशन 0.5। अब हमारा कंप्लीट हो चुका है, प्रीव्यू कर लेते हैं और बूम, ये देखिए इस तरीके से आप लोग बटन बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और तो इस वीडियो में इतना ही, और हमारा प्लेलिस्ट को चेक करना ना भूलें, उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आप लोगों को नहीं पता और आप लोग जान सकते हैं, तो प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कर लें एंड प्लीज़ वो जो रेड वाला बटन है उसे प्लीज़ क्लिक कर लें। एंड थैंक यू, पीस, जय हिंद।